ऑनलाइन है क्या? कोई नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम की है। आज का टॉपिक तो थियोरेटिकल और है, मुझे ऐसे पढ़ाना था। आज सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो सेकंड चैप्टर है, यूनिट सेकंड है एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है? चैप्टर नेम है न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन एंड फ्यूजन। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑन न्यूक्लियाई, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ अ न्यूक्लियाई, ब्रेकिंग अप ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम, यानी कि हैवी एटम का न्यूक्लियाई मतलब हैवी न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम इंटू टू कंपेरेबल टू टू और मोर फ्रैगमेंट ऑफ कंपेरेबल मासेस। Comparable masses with a large amount of energy, with large amount of energy that process, this process is called nuclear fission. Okay, the process of breaking up of a nuclei of heavy atom nuclei means heavy nuclei into two or more fragment of comparable masses with the large amount of energy release, this process is called nuclear fission. ठीक है, तो large heavy atom का nuclei, या आप बोल सकते हैं uranium का atom का nuclei, uranium nucleus, कोई भी example लीजिए, for example हमने यूरेनियम एग्जांपल ले लेते हैं। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 एंड यूरेनियम 238। 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट होता है, यही तो होता है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम ऑन द अर्थ, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। तो आपका जो यूरेनियम 234 ये वाला जो आइसोटोप होता है, इसकी जो क्वांटिटी जो है वो अर्थ पर बहुत कम होता है, ठीक है? जो यूरेनियम 235 जो फाउंड अर्थ पर बहुत कम होता है, ठीक है, यूरेनियम 235 इसके कंपेयर में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, एंड यूरेनियम 238 जो होता है ये सबसे ज़्यादा ऑन अर्थ पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थ पर जो यूरेनियम मिलता है वो है यूरेनियम 238, और सबसे कम जो होता है वो यूरेनियम 234, जिसका क्वांटिटी सबसे कम होती है अर्थ पर, जो एग्जिस्ट सबसे कम करता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही होती है। तो इस यूरेनियम को
डिसइंटीग्रेट करने के लिए इस यूरेनियम 238 के फिजन के लिए न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, तभी इसका न्यूक्लियर फिजन होता है। जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 238 पर बॉम्बार्ड किया जाता है तब इस यूरेनियम 238 का क्या होगा, फिजन होता है। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन्स की इसके फिजन के लिए वो होती है 1 MeV, ठीक है। एंड इस वाले आइसोटोप के लिए यूरेनियम 235, इसके लिए जो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0.025 eV, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन। ये तो अर्थ पर एग्जिस्ट ही बहुत कम करता है, इज नॉट फाउंड ऑन द अर्थ। और होता भी है तो इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, वो इस फॉर्म में ही मिलता है मोस्टली 235 या 238। 238 वाला जो आइसोटोप है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस न्यूक्लियर का जो फिजन है यूरेनियम 238, इसके फिजन के लिए हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इस पर बॉम्बार्ड किए जाते हैं और उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1 MeV। इससे कम होगी यदि एनर्जी तो इस यूरेनियम का फिजन नहीं होगा। और यूरेनियम 235 जो होता है, ये ध्यान रखना यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। और इस वाले मींस यूरेनियम 235 को इसके कंपेयर में कम एनर्जी का यदि हम बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन, जिसकी एनर्जी 0.025 eV होती है, तो थर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं, इस एनर्जी का न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम 235 पर इंसिडेंट कराया जाता है तो इस वाले आइसोटोप का फिजन पॉसिबल है, ठीक है। ये तो अर्थ पर होता ही कम है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में, ठीक है। बस ये बात याद रखना, इस वाले आइसोटोप के लिए मिनिमम फॉर दिस न्यूक्लियाई फिजन के लिए न्यूट्रॉन्स की एनर्जी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है बट मिनिमम इतनी होनी चाहिए तभी इस न्यूक्लियर का फिजन होगा। और इस वाले 238 के लिए न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं फिजन प्रोसेस फॉर आइसोटोप यूरेनियम 235। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, यूरेनियम 235 जिसकी बात करते हैं, तो इस पर हमने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया तो इस न्यूक्लियाई का फिजन होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इसका मास नंबर होता है 36 और इसका 56। 36 एंड इसका 56, बेरियम का 141 एंड 92। साथ में 3 secondary neutrons इमिट होते हैं, 3 secondary neutrons प्लस एनर्जी रिलीज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। जो कि फिजन प्रोसेस में रिलीज होती है वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं, अब 235 के लिए जब इसका फिजन बेरियम एंड क्रिप्टॉन में हो रहा है तो इसका मतलब हमने ये न्यूट्रॉन जो बॉम्बार्ड किए हैं उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी है, 0.025 eV। इससे कम एनर्जी का न्यूट्रॉन यदि इस पर बॉम्बार्ड होगा तो इसका फिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका फिजन तभी पॉसिबल है जब एनर्जी जो है न्यूट्रॉन्स की, इतनी एनर्जी के न्यूट्रॉन्स इस पर बॉम्बार्ड किए गए तो बेरियम और क्रिप्टॉन मिले प्लस 3 secondary neutrons, इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, ओके। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपने जो न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाए हैं ये आफ्टर रिएक्शन आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो अब इसका फिजन प्रोसेस क्या, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट ऑफ कंपेरेबल मासेस, टू और मोर हो सकते हैं, टू और मोर फ्रेगमेंट ऑफ कंपेरेबल मासेस विद द लार्ज अमाउंट ऑफ
एनर्जी रिलीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजन है यूरेनियम 235 का. अब इसमें न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है, ये प्रोसेस में मैं एक रीजन और आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है. क्योंकि देखो यूरेनियम की जो माइनिंग एनर्जी होती है वो होती है कुछ 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग. ठीक है, जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ आपको बताया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो आपके लाइट न्यूक्लियाई होते हैं या आपके बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है कंपेयर टू मिडिल न्यूक्लियाई क्या होती है, लेस होती है. ग्राफ बताया था कुछ ऐसा, इस पर मैंने लिया था मास नंबर और यहाँ लिया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को. ठीक है, मास इस एक्सिस पर हमने लिया है मास नंबर, दैट मींस मास नंबर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. मास नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हैवी न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है. मास नंबर इंक्रीज होगा, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि हैवी न्यूक्लियाई. तो यहाँ पर होंगे लाइट न्यूक्लियाई, ये वाले हम मान लीजिए मिडिल न्यूक्लियाई, और यहाँ पर मास नंबर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होंगे, हैवी न्यूक्लियाई. तो ग्राफ जो मिलता है कुछ ऐसा मिलता है, आपको बताया था मैंने इस तरीके से. ठीक है, तो जो मिडिल वाले न्यूक्लियाई हैं ये वाले, इनके लिए हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है. और जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी इस मिडिल न्यूक्लियाई के कंपेयर में कम है ना. और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए भी ग्राफ डिक्रीज ही हो रहा है. इसका मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई हैं या बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई हैं उनमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है कंपेरेटिवली टू मिडिल वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं. तो आपका यूरेनियम जो है इस साइड ही आएगा, 92 होता है इसका मास नंबर, वो 235 होता है मास नंबर. तो ये बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई है. ठीक है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो हैवी न्यूक्लियाई होगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उसके लिए कम है. बाइंडिंग एनर्जी कम है उसकी, इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो बहुत लूजली बाउंड है. बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है, लूजली बाउंड हैं. तो वो क्या होगा, इजीली ब्रेक हो सकता है. ठीक है, तो वो ब्रेक होकर के ऐसे दो न्यूक्लियाई में वो ब्रेक होगा जो यहाँ पर आए. अब आप देख रहे हैं कि बेरियन और क्रिप्टॉन, इनके लिए मास नंबर क्या है, इस रेंज में आएगा, मतलब इससे तो कम ही है ना मास नंबर, तो यहाँ कहीं आएंगे. और उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, दोनों के लिए ज्यादा है. तो इनका स्टेबिलिटी यूरेनियम के कंपेयर में ज्यादा है, इसीलिए ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है. क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है. तो वो ऐसे दो न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी इस जो ब्रेक हो रहा है उस न्यूक्लियाई से तो ज्यादा ही होगी. ठीक है, तो फिजन का एक रीजन ये भी है क्योंकि हैवी जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और इसीलिए वो ब्रेक होकर के ऐसे दो न्यूक्लियाई में ब्रेक होते हैं जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन. ठीक है, अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल. Explanation of nuclear fission on the basis of liquid drop model. बिल्कुल theoretical topic है, कुछ भी इसमें मैथमेटिकल नहीं है, इसलिए बस सुनते जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है न्यूक्लियर फिजन का ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल. सबसे पहले तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैं यूनिट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ. लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, पहले तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्यों दिया गया था न्यूक्लियस के लिए. आपको लिक्विड ड्रॉप पता है, लिक्विड ड्रॉप क्या होती है, लिक्विड ड्रॉप की क्या
करेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है न्यूक्लियर ड्रॉप की। वो स्फेरिकल शेप क्यों होती है, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। एंड आपको एक चीज और पता है कि लिक्विड ड्रॉप में, ये तो फर्स्ट क्वालिटी हो गई इसकी कि लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड सेकंड वन क्या होता है कि इसका लिक्विड ड्रॉप का, छोटी हो लिक्विड ड्रॉप या आपकी लिक्विड ड्रॉप बड़ी हो, उसमें डेंसिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है लिक्विड ड्रॉप की, कॉन्स्टेंट होती है, और बोल सकते हैं आप लिक्विड ड्रॉप कैसी होती है, यूनिफॉर्म हो सकती है। अब ये जो दो क्वालिटीज हैं लिक्विड ड्रॉप की कि उसकी शेप जो है स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड इसकी डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, चाहे लिक्विड ड्रॉप आपकी स्मॉल हो या लार्ज हो, उसके अंदर जो है डेंसिटी सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। दोनों ही प्रॉपर्टीज आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मास नंबर बोल सकते हैं आप उनको, मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका भी क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। मास नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है भले ही, लेकिन उसके लिए डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। और वो कितनी होती है, मैंने कैलकुलेट करवाई हुई है, 2×10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चाहे आपका न्यूक्लियस छोटा है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो लाइट न्यूक्लियाई है, या आपका न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियाई है, उन दोनों ही केस में उसका वॉल्यूम तो उसका मास नंबर के साथ साथ इंक्रीज होगा, बट डेंसिटी उसकी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर। एक इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई। एंड सेकेंड क्या होती है कि लिक्विड ड्रॉप, जैसे लिक्विड ड्रॉप में आपका स्फेरिकल शेप होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और न्यूक्लियस में भी क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। ये मैं आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूरे डिटेल में फर्स्ट यूनिट में आपको समझाया हुआ है, और फर्स्ट यूनिट में से ही इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल। यहाँ पर तो आपको न्यूक्लियर फिजन को बताना है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो मैंने जस्ट ये रिपीट किया है कि आपने लिक्विड ड्रॉप मॉडल था क्या, क्योंकि न्यूक्लियस में तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे न्यूक्लियस में मास नंबर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसके साथ में वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है बट डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियर डेंसिटी वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है फॉर लार्ज न्यूक्लियाई एंड फॉर लाइट न्यूक्लियाई। जैसा भी न्यूक्लियाई हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है बट डेंसिटी हमेशा, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की वो लिक्विड ड्रॉप के सिमिलर होती है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे लिक्विड ड्रॉप आपकी स्फेरिकल शेप होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, वैसे ही न्यूक्लियस की शेप भी क्या होती है, स्फेरिकल होती है ड्यू टू, उस पर भी सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। कैसे लगता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की वो लिक्विड ड्रॉप के इक्वल ही है, इसलिए बोर ने सजेस्ट किया था, बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो न्यूक्लियस है उसको एक लिक्विड ड्रॉप अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बोर सजेस्टेड दैट अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, according to liquid drop model, Bohr suggested a nucleus can be assumed as a liquid drop incompressible एज अ इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप हैविंग विच इज यूनिफॉर्म हैविंग वेरी हाई एंड
constant density. So according to liquid drop model, kya tha? Wohr suggested that nucleus can be assumed as a incompressible liquid drop which is uniform, having very high and constant density. ठीक है, ये था आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल. अब इस बेसिस पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन किया था वोर एंड व्हीलर ने. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोर एंड व्हीलर. ये भी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर कि ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है उस बेसिस पर न्यूक्लियर फिजन को जो है एक्सप्लेन किया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यूक्लियस सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ड्रॉप लाइक सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी. सरफेस टेंशन कीप्स द न्यूक्लियस इन द स्फेरिकल शेप. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल वोर एंड व्हीलर ने कैसे एक्सप्लेन किया था. पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है ये. तो मैं आपको बस बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाना. व्हेन ए फिजनेबल न्यूक्लियस कैप्चर्स अ न्यूट्रॉन. जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, स्फेरिकल शेप है इसकी, स्फेरिकल. स्टार्टिंग में इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है, एकदम गोल. अब इस पर न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं. न्यूट्रॉन्स. ठीक है, व्हेन अ फिजनेबल न्यूक्लियस, फिजनेबल मतलब जो कि हैवी न्यूक्लियाई है, इसका शेप स्फेरिकल है. व्हेन ए फिजनेबल न्यूक्लियस, इसको बोल रहे हैं फिजनेबल. When a fissionable nucleus captures a neutron or its and its internal structure changes. अब ये क्या है न्यूट्रॉन, इसकी एनर्जी हाई होगी. ये हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन इस स्फेरिकल शेप वाले फिजनेबल न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में आता है. तो अब जिस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर इंस्टेंट होगा, तो आप सोच सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्फेरिकल शेप है ऑलरेडी, उस पर कोई हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट हुआ, तो इससे क्या होगा, इस न्यूक्लियस की इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगी ना. इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी. स्ट्रक्चर चेंज होके मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाएगी कि इसका जो शेप है वो इलिप्सॉइडल हो जाता है. High energy neutrons bombard on a fissionable nucleus, then its internal structure changes to the spherical to ellipsoidal shape. ठीक है, अब क्यों इसकी शेप चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज न्यूट्रॉन इसके अंदर आ रहा है. इसके अंदर जैसे ही वो हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन जाएगा, उसको क्या मिलेगी, एक एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी. इस वाले न्यूक्लियस को एक एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी और इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और वो चेंज होके कोई स्फेरिकल शेप बन जाएगी. उसके बाद में यदि इसका एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो इसे न्यूट्रॉन से मिली, जिस न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड हुए उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुई और उसको क्या मिलेगी, एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी जो न्यूट्रॉन ने उसको दी है. तो यदि उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कम है तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ
गामा रेज, और वो वापस से किस में आ जाएगा, अपनी स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। जो एक्साइटेशन एनर्जी उसे न्यूट्रॉन से मिली थी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, और जो एक्साइटेशन एनर्जी अब उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेस है, तो वो क्या करेगा, अपनी एक्साइटेशन एनर्जी जो ज़्यादा थी उसको रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। गामा रेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एच न्यू फोटोन कुछ भी बोल सकते हैं। वो वापस से अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को रिलीज कर देगा और क्या करेगा, इस स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। अच्छा रिजॉइन करो।